सिलीगुड़ी के 43 नंबर वार्ड अंतर्गत सेवक रोड संलग्न एक बहुमंजिला भवन में निचले फ्लोर पर स्थित एक दुकान में बीती रात भयावह अग्निकांड की घटना में पूरा दुकान जलकर राख हो गया। इस आगजनी की घटना के चलते कुछ देर के लिए पूरा सेवक रोड क्षेत्र काले धुएं से भर गया था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की दो इंजन मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की खबर मिलते ही मेयर परिषद कमल अग्रवाल और 43 नंबर वार्ड के पार्षद सुखदेव महतो मौके पर पहुंचे। वार्ड पार्षद सुखदेव महतो ने बताया कि हो सकता है आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो, लेकिन दमकल कर्मियों की टीम ने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया। पता चल रहा है कि पाइप का दुकान का शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है। पाइप का दुकान से ये 43 नंबर वार्ड में हुआ। अभी वर्तमान ये आग तो बुझ गया है। यहाँ का आदमी लोग जागरूक फटाफट फायर ब्रिगेड को बुलाया है। फायर ब्रिगेड ठीक टाइम पर पहुँचा है जिससे आग पर काबू पा लिया गया। और देसी रात नहीं हुआ था, रात ज़्यादा होने से मुश्किल होता है, लेकिन समय रहते सब काबू होता है। ये बिल्डिंग है जयमाउस, उस बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगी है। हाँ, सिवक रोड पड़ता है ये पूरा, सिवक रोड ये जयमाउस बिल्डिंग का नाम है। इसके बेसमेंट में इस दुकान में आग लगी है और फायर ब्रिगेड और पुलिस मिलकर अपना काम कर रही है। काम चालू हो गया, इसलिए अभी उम्मीद है कि पूरा मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप लोग जैसे देख रहे हैं, तो और कोई खतरा इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। আগুন লাগার কারণটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়, সেটা ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন ব্যাপার আছে, সেটা আমরা পরবর্তী ইনভেস্টিগেশন পরে বোঝা যাবে আগুনটা কিভাবে লেগেছে। সেটা মোস্ট প্রবাবলি হয়তো ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট থেকে হতে পারে, সেটা কিন্তু এখন সেটা ক্লিয়ার নয়। আগুন নিবানোর কাজ মোটামুটি কমপ্লিট করে ফেলেছি আমরা, এখন ড্যাম্পিং চলছে। মোটামুটি আমাদের 40 মিনিট মতো টাইম লেগেছে, 40-50 মিনিট। ইঞ্জিন এসছে ডাবগ্রাম ফায়ার স্টেশন থেকে। আমি তো এখান থেকে যাইতেছিলাম, তখন আগুন লাগছে, সেই জন্য আমি চলে আসছি। কীরকম আগুন লাগিয়েছিলাম, ভালো হয়েছে, আগুন তো নিভে গেছে মতন লাগতেছে। আপনি দেখেন এখানে কী হচ্ছে, এখানে ফায়ার ব্রিগেড সেভেন রোড, এই যে কী বলে মিতাল বাস স্ট্যান্ড,